उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स संघ के समन्वय से राज्य जूनियर एथलेटिक्स बालक व बालिका अंडर 20 दो दिवसीय प्रतियोगिता का रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुभारंभ हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने पुरुष खिलाड़ियों का 800 मीटर का दौड़ लगवाकर शुभारंभ किया तथा प्रथम द्वितीय व तृतीय पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया, जिसके संबंध में भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश निदेशालय ने एथलेटिक्स संघ के सहयोग से प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न मंडलों से खिलाड़ी आए हैं। सभी खिलाड़ियों में खेल के प्रति उत्साह है, जिसमें एक 800 मीटर की दौड़ हुई है। दौड़ प्रतियोगिता में सहारनपुर मंडल का खिलाड़ी प्रथम आया है, गोरखपुर मंडल से एक खिलाड़ी द्वितीय आया है। उन्होंने कहा कि सरकार शुरू से ही खेल को बढ़ावा दे रही है, बहुत सी सुविधाएँ हैं जो कि पहले नहीं मिलती थी, अब खिलाड़ियों को सुविधाएँ मिल रही हैं। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसमें खिलाड़ियों को आर्थिक प्रोत्साहन, प्रशिक्षण, रहने की व्यवस्था, उपकरण व किट उपलब्ध कराया जा रहा है और स्वस्थ भोजन दिया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय कुश्ती संघ के सचिव आदित्य प्रताप सिंह, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने कहा, हमारी झंडे को ये बहुत ही एक बार जोरदार तालियों से इस स्वर्णिम पल का बहुत ही सुंदर हमारे खेल निदेशालय का ध्वज लहराता हुआ और इस उद्घाटन समारोह को शुरुआत करने के लिए हमारे बीच में बैलून्स के द्वारा इस उद्घाटन समारोह का जो शुभारंभ होने जा रहा है, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम की मार्च पास्ट सल्यूट अभिनंदन हमारे मुख्य अतिथि का, मेरा निवेदन है एसएसपी बैंड का टीम को बजाने का, जिस पर हमारे सभी खिलाड़ी हमारे मंच के सामने से आएंगे। ये सुअवसर हमारे बीच में है, आज ये उत्तर प्रदेश जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स प्रतियोगिता का उद्घाटन सत्र सर्वप्रथम आगरा मंडल, फिर अलीगढ़ मंडल, अयोध्या मंडल अपना अपना ध्वज लेकर, हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, इन भावनाओं को लेकर हमारे मंच के सामने राष्ट्रभक्ति की अलग जगाता हुआ आगरा मंडल का ध्वज, ध्वज साइड में थोड़ा सा झुकाते हुए सलामी करते हुए सभी खिलाड़ी जब मुख्य अतिथि के सामने से निकलेंगे तो सैल्यूट करते हुए निकलेंगे, ये सभी खिलाड़ी अपना सलाम, अपनी सलामी अपने मुख्य अतिथि महोदय को। अयोध्या मंडल के खिलाड़ी बहुत ही जोश में भरे हुए हैं, श्री राम जन्मभूमि से आए हैं, हम आपका स्वागत और वंदन करते हैं। बहुत ही सुंदर आजमगढ़ के खिलाड़ी ने बड़ी सुंदर कमांड दी है और अभी हम देख रहे हैं किस प्रकार से ये खिलाड़ी बहुत ही भव्य और सुंदर समागम में अपना बरेली मंडल सैल्यूट करते हुए ध्वज को झुकाते हुए, और मुख्य अतिथि के सामने से देवीपाटन मंडल बहुत ही जोश से भरे हुए ये खिलाड़ी जय हिंद की ध्वनि का उद्घोष करते हुए और की भूमि से यहाँ पर आए हैं और राष्ट्रभक्ति की अलग जगाते हुए रानी लक्ष्मीबाई का प्रतिनिधित्व करते हुए झांसी मंडल हमारे मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए, अग्री से सभी हमारे मध्य में सलामी देते हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय को लखनऊ मंडल बहुत ही सुंदर और भव्य समागम में क्रांति धरा से, मेरठ ऐसी क्रांति धरा है जहां अनेकों शूरवीर और मंगल पांडे जी भी वहां से हैं, मिर्जापुर मंडल आप सभी उनके लिए अतिथि हैं, प्रणाम करते हुए और हम एक बार फिर से एसबीआई का धन्यवाद करेंगे टीम को मनोबल बढ़ाने के लिए। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के साथ विभिन्न 18 के 18 मंडल, मैं खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश
एवं उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स संघ के समन्वय से आयोजित प्रादेशिक जूनियर्स बालक एवं बालिका एथलेटिक्स प्रतियोगिता के उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। और सुंदर उद्घाटन समारोह का ये आगाज तिरंगे के माध्यम से देखिए, संदेश देंगे जहां तक जाएंगे, जिन दूरियों को जाएंगे, ये ध्वज ऐसे ही ऊंचाइयों को छूता रहे। और राष्ट्रीय ध्वज के लिए हम सभी खिलाड़ी ऐसे ही अपना तेज और साहस। और मैं हमारे मुख्य अतिथि संघ के अध्यक्ष माननीय श्री एलडी सिंह जी, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती के खिलाड़ी, पूर्वांचल के लिए एक सम्मान का विषय सम्मानित श्री पन्नेलाल यादव जी, बालीबाल संघ के सचिव, गोरखपुर विश्वविद्यालय क्रीड़ा विभाग के प्रोफेसर माननीय डॉक्टर राजवीर सिंह जी, अपने बच्चों के लिए थी सेवा है। और ये 800 मीटर के धावक मैदान में चल गौरव को उत्साह चलेगा करते हुए बहुत ही सुंदर अपने अपने मंडल का प्रतिनिधित्व यहाँ पर करते हैं। आज अपनी इस स्पर्धा में अपने मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं और देख रहे हैं इस प्रकार से एक दूसरे से आगे बढ़ने का जो जज्बा है वो देखने को मिलता है। और मंच के सामने से आते हुए एक बार जोरदार तालियों से मेरा सबसे अनुरोध है कि हम सभी खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करें। और ये पहला राउंड है 800 मीटर का, ये जो धावक हमारे समकक्ष दौड़ते हुए अपनी अपनी बहन में ही दौड़ेंगे। अश्वनी जी सहारनपुर मंडल और 234 क्या नाम है? दीपक यादव। किस मंडल से हैं और प्रथम किस मंडल से है? सुंदर प्रयास। और 440 चेस नंबर खेल प्रतियोगिता शुभारंभ हुई है। ये उत्तर प्रदेश के स्तर की जो एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं 20 साल से कम उम्र के, उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय ने एथलीट संघ के सहयोग से आज इस प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया है। पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों से खिलाड़ी आए हैं, सब में एक अलग प्रकार का उत्साह है। हम लोगों ने खेल अभी देखा भी है 800 मीटर की दौड़ का, जिसमें सहारनपुर मंडल का बच्चा प्रथम आया है, अपने गोरखपुर मंडल से एक बच्चा द्वितीय भी आया है। हमारी सरकार शुरू से खेल के प्रोत्साहन के लिए बड़ी मेहनत कर रही है और बहुत सारी सुविधाएं हैं जो पहले नहीं मिला करती थी हम लोग देने का और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का, चाहे उन्हें आर्थिक प्रोत्साहन हो, उनको प्रशिक्षक देना हो, उनके रहने सहने की व्यवस्था करनी हो, उनको उपकरण और किट्स उपलब्ध कराने हो, उनको स्वास्थ्य परक भोजन देना हो, यह सब हम लोगों ने इधर बहुत जब से माननीय मोदी जी आए हैं हम लोग बहुत सफलतम प्रयास कर रहे हैं और उसका फल है। कार्यकर्ताओं में खिलाड़ियों में एक नया उत्साह सृजित हुआ है।